नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। साथ ही साथ बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन बिहार के कई जिलों में वज्रपात भी हुई, जिसकी वजह से कुल 11 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकती है। इसके साथ ही जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं वहां भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य में मंगलवार को वज्रपात की वजह से कुल 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की बारिश पूरे राज्य में हो रही है। अगले 48 घंटे तक सूबे में भारी बारिश व वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बिहार के जिलों और गंगा से सटे इलाके में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश होने की आशंका है। भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि की आशंका जताई गई है। प्रदेश में मंगलवार को वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई। पटना के मोकामा में 3, सिवान के गोरिया कोठी में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर के चरपोखरी में बच्चे की जान ठनका गिरने से चली गई। वैशाली में विदुपुर के खोखला गांव में बच्चा ठनके की चपेट में आ गया। लालगंज के अर्धनारेश्वर मंदिर के गुंबद पर ठनका गिर गया, जिसमें गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। खगड़िया के बिलदौर में भी युवक की मौत हो गई। दरभंगा में एक और, समस्तीपुर में 2 की मौत वज्रपात से हो गई। मोकामा के मेकरा के बुजुर्ग रहने वाले बच्चू राय का बेटा रामकृपाल कुमार टाल इलाके में मवेशी चराने गया था। मोकामा के मेकरा के बुजुर्ग रहने वाले बच्चू राय का बेटा रामकृपाल कुमार टाल इलाके में मवेशी चराने गया था। मौके पर मौजूद चारवाहों ने बताया कि बारिश होने की संभावना को देखते हुए सभी मवेशी लेकर लौटने लगे। अचानक तेज बारिश होने लगी और ठनका गिर गया। उनका शरीर के पिछले हिस्से पर गिरा और झुलस गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मेकरा महादेव स्थान निवासी ब्रह्मदेव राय के बेटे भूषण कुमार अपने घर से गंगा दियारे की ओर जा रहा था, तभी गंगा किनारे ठनका की चपेट में आ गया और जख्मी हो गया। स्थानीय लोग उसे लेकर मंडल अस्पताल बाढ़ ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।